हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर होम। मेरा नाम है निशांत अग्रवाल, प्रॉपर्टी दिलाऊंगा आपको इसी साल। सो गाइस, आज हम लोग हैं सेक्टर 51 में, जहां पर मैं आपके लिए 276 गज का 3 बेडरूम 3 वॉशरूम्स का एक बहुत ही बढ़िया लग्जरियस बिल्डर फ्लोर लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया लोकेशन पे पार्ट फेसिंग घर होने वाला है। यहाँ पर अगर मैं घर के काम की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया, अभी दिखाऊंगा आपको किसी के काम चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा फिनिशिंग बाकी है घर में, एंड उसके बाद लोकेशन जिन लोगों को नहीं पता, सेक्टर 51 यहाँ पे हुडा मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाती है, सोना रोड आपको नियर बाय मिल जाता है, MET DPS जैसे स्कूल आपको यहाँ पर नियर बाय मिल जाते हैं, यहाँ पर बानी स्क्वेयर, गुडर सिटी सेंटर जैसे मॉल्स, तो ओवरऑल जो यहाँ पर कनेक्टिविटी है या एमिनिटीज आपको यहाँ पर सब नियर बाय मिल जाती हैं। घर का काम बहुत बढ़िया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन से, तो एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। उसके बाद पार्किंग की बात करें तो 2 गाड़ियों की पार्किंग, एंड देन मेन एंट्रेंस आप देख सकते हो कि डिजाइनर यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया काम मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, अभी लिफ्ट लॉबी से फिलहाल लिफ्ट लगना बाकी है, सो स्टार्ट करते हैं। दिखाता हूँ कि काम आपको किस तरीके का आज यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहले मेन एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिफ्ट का काम फिलहाल पेंडिंग है, बट जॉनसन की 6 पैसेंजर लिफ्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बाद मेन डोर की बात करें तो यहाँ पर डिजाइनर डोर मिल जाता है आपको, विद आपको यहाँ पर डोर सेट का बायोमेट्रिक लॉक के साथ, जो कि फिंगरप्रिंट कार्ड एक्सेस की ऑपरेटेड यहाँ पर होने वाला है। तो एंट्रेंस बहुत बड़ी होने वाली है। उसके बाद दरवाजे में काइंड ऑफ जो यहाँ पर पॉलिशिंग का काम किया, वीनियर प्लस यहाँ पर मेलामाइन पॉलिश का काम किया, बहुत ही बढ़िया काम है। उसके बाद यहाँ पर एंटर करते लेआउट ब्रीफ करूंगा मैं, तो हम लोग आ जाते हैं आपके ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल में। यहाँ पर नॉर्मली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो लेफ्ट पार्ट जो कि आपका ड्राइंग एरिया, और उसके बाद जो सामने वाला पार्ट है ये आपका डाइनिंग कम लॉन्ज एरिया। तो जो सेपरेटली ड्राइंग एरिया है, साइज की अगर मैं बात करूँ तो 12x16 square feet, एंड देन सेकेंड जो पार्ट है आपका लॉन्च कम डाइनिंग एरिया, उसका साइज ऑलमोस्ट 16x22 square feet। तो साइज बहुत बढ़िया है। कम्प्लीटली हॉल की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 32 square feet लंबा आपको यहाँ पर हॉल मिल जाता है, एंड साइज वाइज एंड क्वालिटी जो यहाँ पर इंटीरियर्स किया हुआ है बहुत बढ़िया। सबसे पहले फ्लोरिंग की बात करूंगा तो इटालियन मार्बल आपको यहाँ पर मिल जाता है फ्लोरिंग में। देन तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक लाइट के साथ आपको क्रॉकरी यूनिट यहाँ पर बनाकर देने वाले हैं, और बहुत ही शानदार यूनिट यहाँ पर बनी है। और उसके बाद यहाँ पर फॉल सीलिंग की बात करूंगा तो बहुत ही शानदार शैंडेलियर, 2 फैंस आपको यहाँ पर सीलिंग में मिलने वाले हैं। और उसके बाद सीलिंग में जो काम किया वुडन का बहुत ही बढ़िया, तो आपका जो लिविंग एरिया है बहुत ही शानदार होने वाला है। और उसके बाद लेफ्ट साइड जो आपका ड्रॉइंग पार्ट है, यहाँ पर भी आपको जो सीलिंग में वुडन का काम किया, प्लस जो फैन यहाँ पर दिया गया है आपको ऑटोमेटिक 8 विंग्स के साथ आपको यहाँ पर फैन मिल जाता है लाइट के साथ। तो क्वालिटी ऑफ वर्क, इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। राइट साइड में एक सेपरेट स्पेस आपको जो मिल जाता है यहाँ पर, एज ए मंदिर और बार काउंटर आप बना सकते हो। तो यहाँ पर स्पेस बहुत अच्छा है, घर का जो स्पेस है काइंड ऑफ बहुत बढ़िया स्पेस मिल जाता है। एंड देन फ्रंट बैल्कनी के साथ आपका ड्राइंग रूम अटैच है, तो यूनिट आपकी हो जाती है पार्क फेसिंग। ऑफ कोर्स पार्क इतना बड़ा नहीं है, बट आपको यूनिट घर के सामने एक छोटा पार्क में मिले तो पार्किंग की फर्दर फ्यूचर में समस्या तो नहीं रहने वाली। उसके बाद
अगर मैं विंडो की बात करूं तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम विंडोज मिल जाती है टफन ग्लासेस के साथ, तो काम जो भी है सारा ब्रांडेड और बढ़िया काम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन बेडरूम से, एंड देन फाइनली आपको दिखाऊंगा मैं किचन की किस तरीके का काम आपको आज यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले किचन से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ड्रॉइंग के साथ यहाँ पर आ जाते हैं ओपन किचन की तरफ। तो बिल्कुल सामने ही आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस मिल जाता है। जो किचन का साइज और काम है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। डार्क ग्रे कलर की किचन आपको मिल जाती है, प्लस टॉप मार्बल आपको व्हाइट, एंड देन किचन फुली लोडेड आपको चिमनी होम माइक्रोवेव ऑन यहाँ पर मिल जाता है फेबर का, एंड देन ऊपर यहाँ पर ग्लास शटर्स। एंड उसके बाद इनोटेक्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी इनोटेक्स हैटिक मिल जाती है, काइंड ऑफ आपको यहाँ पर वेजिटेबल्स के लिए स्पेस मिल जाता है, बहुत कुछ चीजें। एंड उसके बाद साउंड प्रूफ सिंक मिल जाती है ब्लैक टैप के साथ, एंड यूटिलिटी के लिए आपको एक दरवाजा यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है, सेम यहाँ पर एल्यूमिनियम दो आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो फ्लोरिंग इटालियन एंड फॉल सीलिंग यहाँ पर भी क्यूरिए, फैन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो काम बहुत बढ़िया है, स्पेस बहुत बढ़िया है, स्टोरेज किचन की बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलते हैं वन बाय वन बेडरूम में। तो बेडरूम से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम जो कि फ्रंट बालकनी के साथ अटैच है। यहाँ पर आपको जो वॉशरूम है पाउडर रूम दिया गया है आपको, और रूम के साथ अटैच भी है प्लस कॉमन वॉशरूम भी हो जाता है, पार्टीशन इसमें लग रहे बाकी हैं। उसके बाद टाइल्स का काम आपको यहाँ पर मिलने वाला है, बहुत बढ़िया है मैट फिनिशिंग में टाइल्स, प्लस आपको यहाँ पर वैनिटीज मिल जाती हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो काम बहुत बढ़िया है। तो साइज की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 16x12 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाता है रूम साइज। फ्लोरिंग में यहाँ पर आपको वेट्रीफाइड टाइल्स मिल जाती है, फ्रंट साइड बैल्कनी के साथ रूम अटैच है। एसी फिटिंग्स और वगैरह का मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ तो फॉल सीलिंग यहाँ पर बहुत ही शानदार आपको मिलने वाली है, हैवेल्स के फैंस के साथ, काइंड ऑफ जो आपको यहाँ पर गोल्डन कलर का स्ट्रिप दिया और फॉल सीलिंग में बहुत ही परफेक्ट एंड बहुत ही डिजाइनर काम मिलने वाला है। और उसके बाद वॉशरूम सेम अटैच है जो कि आपका कॉमन वॉशरूम हो रहा था। रूम साइजेस बहुत अच्छे हैं। स्टोरेज की बात करें तो टू डोर वार्डरोब मिल जाती है, फिलहाल फिनिशिंग अभी थोड़ी बहुत पेंडिंग है बट आफ्टर फिनिशिंग बहुत अच्छा काम होने वाला है। एंड देन फाइनली चलेंगे हम लोग बाकी के दो बेडरूम जो कि बैक साइड में आपको बैल्कनी के साथ यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले सेकंड बेडरूम की बात करूंगा तो यहाँ पर भी फ्लोरिंग आपको टाइल्स की मिल जाती है, साइज 17x12। तो रूम साइजेस सारे घर के बहुत बढ़िया हैं, स्पेस वाइज ये घर बहुत बढ़िया है, बैक साइड बैल्कनी के साथ रूम अटैच होता है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एल्यूमिनियम विंडोज मिल जाती है, फॉल सीलिंग यहाँ की बिल्कुल डिफरेंट बढ़िया यहाँ पर मिल जाती है, फैंस यहाँ पर भी मिल जाते हैं, स्टोरेज आपको यहाँ पर दोनों तरफ टू डोर लेफ्ट एंड टू डोर राइट आपको यहाँ पर वार्डरोब मिल जाती है इंक्लूडिंग लॉट्स। तो सेकंड बेडरूम के वॉशरूम की बात करेंगे तो वॉशरूम सारे ही स्पेशल है, शावर एरिया सेपरेट होता है, बाथरूम फिटिंग्स कंप्लीट जाएगा, टाइल्स का कलर बहुत ही बढ़िया मैट फिनिशिंग में टाइल्स, एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर लगाकर दे रहे हैं, वैनिटीज यहाँ पर बनी हुई मिलने वाली, और सिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाती है डिजाइनर, इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स मिल जाती हैं आपको। तो क्वालिटी ऑफ वर्क स्पेस घर में बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो चलेंगे फाइनली थर्ड बेडरूम में, थर्ड बेडरूम का काम आपको दिखाता हूँ किस तरीके का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो थर्ड बेडरूम की बात करूंगा, साइज ऑलमोस्ट 17x13 स्क्वायर फीट, बहुत बढ़िया साइज है। फ्लोरिंग देखने में वुडन लग रही होगी बट आपको मिल जाती है टाइल्स वुडन शेड में, तो वॉशेबल टाइल्स हैं। उसके बाद फिनिशिंग अभी फिलहाल थोड़ी घर की पेंडिंग है, फाइनल पेंट का कोर पेंडिंग है, तो यहाँ पर बैक साइड बैल्कनी के साथ रूम अटैच हो जाता है, उसके बाद फॉल सीलिंग यहाँ पर भी बढ़िया हैवेल्स के फैंस के साथ। ड्रेसर एरिया यहाँ पर सेपरेट है, तो सामने आपको यहाँ पर मिल जाती है फोर डोर वार्डरोब, टू डोर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइट्स के साथ ग्लास वार्डरोब, प्लस टू आपको हाई ग्लोस, एंड देन सेपरेटली ड्रेसर अभी बनना बाकी है बट वहां पर। उसके बाद सामने ही हम लोग आ जाते हैं वॉशरूम में, तो ग्लास पार्टीशन आपको यहाँ पर मिल जाता है, वॉक की बाथरूम फिटिंग एंड टाइल्स का कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है, उसके बाद मैनिटीज एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो काम बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो गाइस तीनों बेडरूम वॉशरूम ड्राइंग डाइनिंग लॉन्च प्लस किचन सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो एक बार पूरा घर आपको यहाँ से ब्रीफ करूंगा, सेक्टर 51 276 गज, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का घर होने वाला है। पार्किंग आपको वहां पर 2 गाड़ियों की, जॉनसन की लिफ्ट मिल जाती है। घर के अंदर की बात करूं तो लिविंग डाइनिंग किचन में इटालियन मार्बल मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर किचन आपको फुली लोडेड चिमनी होम माइक्रोवेव ओवन फैंस, उसके बाद शैंडिलियर्स, बहुत ही शानदार घर आपको यहाँ पर मिल जाता है। सामने की तरफ आपको घर के पार्क होने वाला है, बहुत छोटा पार्क है बट पार्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ अभी अवेलेबिलिटी की तो फिलहाल 3 फ्लोर अवेलेबल है, टेरिस के साथ भी फ्लोर अवेलेबल है। और अगर मैं यहाँ पर प्राइस की बात करूंगा तो प्राइस आपका स्टार्ट होता है 2.20 CR ओनली, बहुत बढ़िया प्राइस है, बहुत बढ़िया घर है, साइज लेआउट वाइज बहुत अच्छा है।
तो बाकी इंक्वायरी के लिए 9205040486 निशांत अग्रवाल के नंबर पर कॉल कर सकते हो। उसके बाद एक रिक्वेस्ट हो, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद गाइस।